जैसे कि अब हम जा रहे हैं, मेरे को हाफ डे लेके ऑफिस से बुलवा लिया गया है। इन्होंने मिस्टर राजन गोड़ा, मेरे मामा श्री। हाँ जी बोलो जी। यहाँ पे इंटरव्यू ना हो रहा, अरे यू व्लॉग बन रहा मिलेगी, यू व्लॉग बन रहा यार रिगर रिवर राफ्टिंग करने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। तो अभी हम जस्ट खाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा शिकंजी विकंजी जैन शिकंजी पे। ये मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, इस लड़की की मैंने फोटो खींचने से मना कर दी थी अभी, क्योंकि ये अपनी खिंचवाती काई और की खींचे ना है ना। तो अब ये मैं वो कह रही है कि दिखा मैं बना दूँ वीडियो। मसूरी जाएंगे, ये कह रही है मनाली जाएंगे, ये तो वीडियो में आई है। अरे ऐसे जाते भाई, देख सकते हैं हम कितनी पतली पतली गलियां हैं और हम यहाँ पे पैदल आते क्यों करते हैं ये। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, हमारी राफ्ट उतर रही है, आप जैसे देख सकते हैं सारे के सारे मामा ये सिर्फ हाथ लगाने का ड्रामा है, ये कोई उतार नहीं रहे हैं। ये हमारे ये जो हैं, ये हमें ट्रेनिंग देंगे अभी, और यही हमारे राइडर हैं जो मतलब पायलट है हमारे, को पायलट। सो अभी हम सारे के सारे मतलब ये हमारी लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ जैकेट्स पहनेंगे अभी, उसके बाद हेलमेट पहनेंगे। हेलमेट पहनने के बाद जैसे कि मैंने माउंट नहीं था मेरे पास, माउंट की काफ़ी दिक्कत होगी, माउंट लाना भूल गया मैं अपना, उसके बाद यहाँ पे मांगा बट हो नहीं पाया, मिल ही नहीं पाया कहीं से, तो लेकिन जुगाड़ू हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कवर के अंदर डाला है मैंने अपना एक्शन कैमरा, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे बन जाएगी वीडियो, ठीक है। अरे ऐसे फॉर्मेलिटी मत कर, हम इससे भी संतुष्ट हैं, हमारा इससे बहुत हमें प्राउड है, और मुझे कॉन्फिडेंस है अपने भाई पे कि वो इससे बहुत अच्छा हमारा वीडियो बनाएगा। बस मैं यही काम रहेगा, पैसे मिलने नहीं और वीडियो बनाते रहने जिंदगी भर। सो हार्ड मैन ग्रीन गंगेज, ये हमारे हेलमेट, टेक दिस बनो। थोड़ा सब्जी बना लो ना वीडियो, चश्मा बह जाएंगे आप लोग, चश्मे नहीं बहते, लो ठीक है। बाल थोड़े बड़े हो रखे तो बालों को भी थोड़ा वो कर रखे हम, अभी राफ्ट करने जाएंगे सब।
सीन सेट है, ड्रेस व्रेस ड्रेसिंग अप हो रहा है, थोड़े फोटो शूट होएगा। अच्छा ये जो कैमरामैन अभी जिसने हमारे कैमरामैन साहिल कोड़ा के साथ एंकर यश शर्मा ऋषिकेश से बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी राफ्टिंग होने वाली है। और ये हमारे साथ राजन कोड़ा, राजन कोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे? राजन कोड़ा ये हमारा बालक है, हम इन्हें जुमाने लाए जहाँ पे और जय राफ्टिंग करेंगे। राजन कोड़ा आपकी आवाज़ शायद उसमें क्लियर ना जा रही हो, थोड़ी तेज बोलिए। हम जय कह रहे हैं, हम जिनने लेके आए जहाँ पे राफ्टिंग कराने को तो इनके राफ्टिंग कराएंगे बालकन ने जी कहना चाहते हैं हम। और चलो कोई नहीं, अभी जैसे अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको समझ नहीं आई है, मैं आपको स्पेशल टेक्स्ट मैसेज करके बताऊंगा क्या बोला है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये इनसे यहाँ पे पानी बेचने के लिए खड़ी है, बताइए कैसे फील कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं अभी राफ्टिंग करने के लिए जा रही हूँ। और ये हमेशा मेरा बहुत मजाक बनाता है, बहुत गंदा भाई है मेरा। हेलो गाइस, माय नेम इज क्रिस एंड आई स्टडी इन क्लास 11 एंड शी परस्यूड आर्ट्स फ्रॉम मदरपुर मॉडर्न। ही परस्यूड आर्ट्स एंड ही इज इन 9th क्लास 11 ओह या ये भैया जब ये तो ये अभी हम नीचे जाते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये राफ्ट है, सारी राफ्ट से ये काफी रास्ता खराब सा है जो उतरना पड़ता है उतनी ऊपर से। वो देखो पीछे राफ्ट आ रही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उधर हमारी राफ्ट तो नीचे पहुँच चुकी है अभी। ये हमारी राफ्ट है, ये हमारे ट्रेनर है, ये मेरा भाई है, ये हमारे ट्रेनर है। अरे हाँ तेरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्या देखना है, कुछ भी नहीं देख सकते ये लोग, ये लोग सिर्फ मेरे को देख सकते हैं, तेरे को नहीं देख सकते हैं। ऋषि की इसके सीन है, मैं तेरे को देखने नहीं दूंगा। बता मैं तो ऋषिकेश के सीन ऑडियो में बेइज्जती होगी इसकी। So guys, next episode का नाम क्या है? Return to center. सी आगे क्या होगा मैं पता, तेरी तरफ जा रहा है मुझे छोड़ के जाने क्यों, आज तो ये मेरा शुरुआत नहीं है, ये बात नहीं अब रात यही ऐसा लगा। अब तो करने लगी है सफर, तूने देखा तो जीने की ख्वाहिश जगी, जिंदगी जैसी तेरी नजर तुझसे ही है मेरी दुनिया सारी, तुझसे ही तो कर ली है दिल ने यारी, तुझसे ही है मेरी दुनिया सारी, तुझसे ही तो कर ली है।
कदम पे ही मंजिल मिली है, अब इन राहों का मुझको करना है क्या। दुनिया की बातों से लेना है क्या, एक तेरे ही तो लफ्जों से है वास्ता। शुरुआतें नहीं है ये बातें नहीं, अब रातें गई ऐसा लगा। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समां, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियां। दिल चाहता है भाई, अगर कहीं जन्नत है ना तो सिर्फ कश्मीर में ही है। लेकिन ये तो टेहरी है। अच्छा हा? टेहरी में भी है तो ये हमारा कैंप है और ये हमारी फैमिली है और यहाँ पे हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। आराम से भाई, आराम से, गिरना ना है। ब्लॉक की तरह बनेगा साले। ये अगर कैमरा तोड़ दोगे फिर कैसे बनेगा? फिर ब्लॉक हो जाएगा ना। नजारे बढ़िया है भाई, पर भाई एक तो सबसे पहली बात अभी ये हुई कि कल के राफ्टिंग के करे हुए जूते अभी तक गीले हैं, है ना, और सबके गीले हैं, सॉक्स लाए नहीं क्योंकि मैं तो सीधा ऑफिस से इनके साथ गाड़ी में बैठा और निकल गए अपन लोग। और थोड़ा जंप मारनी पड़ेगी यहाँ से हमें, यहाँ से ये हाँ। तो क्या बता रहे थे हम, मैं बता रहा था आपको कि जूते हैं नहीं, जूते गीले हो गए थे, अभी गीले जूते पहन के ट्रैकिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है भाई। हम यहाँ पे पहाड़ों की गोद में, चारों तरफ पहाड़ ने घेर रखा है। ओह या पानी तो साफ है भाई तेरा, भाई यस इतनी ट्रैकिंग करेगा, इतनी ट्रैकिंग करेगा किसी ने सोची भी नहीं होगी। ठीक है हाँ, अब आगे का नजारा दिखा दो। हम बहुत आगे जाना है हमें, मैं ही गया था। चल चल कूदो कूदो कूदो, चलो चलो। क्या है, क्या है मामा, पालतू है वैसे? सामने देख रहा हूँ, पसंद है। ओए मोर है, जंगली मुर्गा, ये उड़ उड़ के जंगली मुर्गा काट लेता है। अरे वह एक जंगली मुर्गा वैसे है एक, और देखो ये रहा, देखो ये रहा ये चला भाई। पूरी ढलान है, नीचे जाना है हमें ट्रैकिंग करते हुए। बहुत ज़्यादा ना मतलब अच्छा लगता है पहाड़ों पे आके, गाना सा याद आया था मेरे दिल में। तो थोड़ी आवाज़ अगर बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं प्लीज़
लोग बहुत लॉन्ग वाटर साउंड चलो 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 मेरे को मेरे मामा ने चैलेंज दिया है, इतना ठंडा पानी हो रहा है ना यहाँ का, पहले मैं जाऊंगा फिर मामा जाएंगे और उस झरने के नीचे, उस झरने के नीचे हमें नहाना है और बिलीव मी गाइस बहुत ठंडा पानी है और ठंडी देख लू ना क्या वीडियो बन जाएगी फोटो जाएगी ऊपर में चढ़ो ऊपर में चढ़ो दोस्तों। जैसे कि बताया गया है हमें पीछे राफ्टिंग करते हैं लोगों ने कि यहाँ पे इतना पानी है, इतना स्टोर हो रखा है पानी कि अगर मान लो यहाँ का जो डैम है जो अभी हम थोड़ी देर बाद आपको अपनी वीडियो में ही दिखाएंगे, अगर वो डैम किसी दिन खुदा ना खास्ता गलती से टूट गया या खोल दिया गया या कुछ भी हो गया तो भाई साहब दिल्ली तक सब ख़त्म है, समझे आप लोग? मतलब मजाक वाली बात नहीं है, सारे के सारे मोटर बोट्स, जेट स्कीइंग, स्कीइंग, मतलब रिलेटेड टू वाटर स्पोर्ट्स एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर।
मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया।